हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक नॉर्दर्न माउंटेन्स। माउंटेन्स किस किस को अच्छे लगते हैं? माउंटेन्स तो सभी को अच्छे लगते हैं, तो आज हम लोग माउंटेन्स के बारे में ही पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ओपन योर सोशल कोर्स बुक, पेज नंबर है आपका 43, चैप्टर 4, नॉर्दर्न माउंटेन्स। तो स्टार्ट द क्लास, लेट्स बिगिन। व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट अबाउट माउंटेन्स? लिसन टू द पैसेज केयरफुली एज योर टीचर रीड्स एंड नो मोर अबाउट माउंटेन्स। द माउंटेन्स अट्रैक्ट ऑल ऑफ अस बिकॉज दे आर सो बिग एंड ब्यूटिफुल। आपको फिगर वन में ये शो हो रहा है, ये देखिए माउंटेन्स कैसे वेरी बिग, सो बिग एंड ब्यूटीफुल। माउंटेन्स कैसे हैं? बिग एंड ब्यूटीफुल, इसलिए ये बिग और ब्यूटीफुल होते हैं, सो हमें बहुत अट्रैक्ट करते हैं, हमें बहुत अच्छे लगते हैं। पीपल लव माउंटेन्स फॉर देयर ग्रीन फॉरेस्ट। माउंटेन्स पर ग्रीन फॉरेस्ट एंड फ्रेश एयर, कूल क्लाइमेट। पीपल हैव ऑलवेज इमेजिन माउंटेन्स टू बी द होम ऑफ द गॉड्स, प्रोबेबली बिकॉज दे आर सो हाई एंड क्लोज टू द स्काई। सो हाई एंड क्लोज, हाई मीन सो हाई बहुत ऊंचे, एंड क्लोज टू द स्काई, क्लोज टू द स्काई। मैनी कंट्रीज एंड रिलीजन्स हैव सेक्रेड और होली माउंटेन्स अक्रॉस द वर्ल्ड। माउंट ओलंपस इन ग्रीक, माउंट ओलंपस कहाँ है? ग्रीक में। माउंट सिनाई इन इजिप्ट, माउंट कैलाश इन तिब्बत आर कंसिडर्ड सेकर्ड माउंटेन्स। डू यू रिमेम्बर द स्टोरी ऑफ हनुमान? क्या आपको स्टोरी याद है हनुमान जी की, कैरिंग द द्रोणागिरी माउंटेन टू ब्रिंग आ मेडिसिन प्लांट नेम्ड संजीवनी बूटी टू सेव लक्ष्मण्स लाइफ। क्या आपको वो स्टोरी याद है हनुमान जी की, जो द्रोणागिरी माउंटेन से वो क्या कौन सी मेडिसिन का प्लांट लेके आए थे? संजीवनी बूटी लेकर आए थे ना, वो किसके लाइफ को बचाने के लिए? लक्ष्मण, ठीक है, जो लॉर्ड हमारे राम हैं उनके भाई लक्ष्मण की लाइफ को बचाने के लिए कौन सी मेडिसिन लेके आए थे? संजीवनी बूटी। द द्रोणागिरी माउंटेन लाइज इन द हिमालयास इन इंडिया। द हिमालयास आर अ पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेन ऑफ इंडिया। द हिमालयास आर द पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेन्स ऑफ इंडिया। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे आप लोग, इसमें आपको लेस ट्राई वन कंप्लीट करनी है। पेज नंबर आप लोग कौन सा ओपन करेंगे? पेज नंबर 44। इसमें आपको कुछ मैप शो हो रहा है, ठीक है। ओके, इस मैप में आपको देखिए ये जो सर्किल है जिसमें ऊपर की तरफ कौन सा बताइए क्या है? नॉर्थ है, क्या है ऊपर की साइड, कौन सा डायरेक्शन है? नॉर्थ, ठीक है। इधर साउथ, इधर वेस्ट एंड इधर ईस्ट। ओके, यहाँ पर कौन सी है? ईस्ट। नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ। यहाँ पे नॉर्थ किस साइड है? ये डायरेक्शन आपका नॉर्थ, ठीक है। ये साउथ, वेस्ट, ईस्ट एंड वेस्ट। ओके, ये बीच में आपके सब डायरेक्शन दिए गए हैं, ये हम आपको लास्ट टॉपिक्स में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। सब डायरेक्शन एंड डायरेक्शन आपको लास्ट टॉपिक में पढ़ा चुके हैं, ठीक है, रीड करा चुके हैं। तो आपको लेस ट्राई बन के आंसर कंप्लीट करने हैं, क्वेश्चंस के आंसर आपको कंप्लीट करने हैं। राइट द नेम्स ऑफ द माउंटेन्स हिल रेंज दैट फ्रॉम द नॉर्दर्न माउंटेन्स। इनके नेम आपको राइट करने हैं जो फ्रॉम द नॉर्दर्न माउंटेन्स। कौन कौन से हैं तो बताइए आप लोग, अपनी बुक में देखकर बताएंगे। पहले तो ट्रांस हिमालयन रेंज, कैसे कौन सी है? ट्रांस हिमालयन रेंज। नेक्स्ट है आपका द ग्रेटर हिमालयास एंड द
मिडिल हिमालयास, द आउटर हिमालयास एंड नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स। क्या है? नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स। हमने आपको इस पेज में फिल भी कर दिया है, तो आप अपना लेस्ट ट्राई वन का वर्क अपनी कोर्स बुक में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट भी क्वेश्चन है आपका, विच पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेन इज टुवार्ड्स द नॉर्थ ऑफ द रिवर इंडस। टुवार्ड्स द नॉर्थ ऑफ द रिवर इंडस, तो कौन सा है? ट्रांस हिमालयन रेंज। कौन सा है? ट्रांस हिमालयन रेंज। नेक्स्ट सी क्वेश्चन है आपका, विच हिल रेंज आर द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में कौन सी हिमालयन रेंज है? हिल रेंज कौन सी है? विच हिल रेंज आर इन द नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट आपका डायरेक्शन कहाँ पे होगा बताइए? ये बताइए, नॉर्थ ईस्ट आपका डायरेक्शन कौन सा होगा? ये नॉर्थ है, ये आपका ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट सब डायरेक्शन आपका ये हो गया। तो यहाँ पे कौन सी हिल रेंज है? नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स। कौन सी हिल रेंज है? नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स। तो इसका आंसर होगा नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स। नेक्स्ट है आपका, विच रेंज आर बिटवीन रिवर इंडस एंड रिवर ब्रह्मपुत्र। कौन सी रेंज है जो बिटवीन रिवर इंडस एंड रिवर ब्रह्मपुत्र के, इंडस और ब्रह्मपुत्र के बिटवीन में कौन सी हिल रेंज है? तो इसका आंसर होगा द ग्रेट हिमालयास, द मिडिल हिमालयास एंड द आउटर हिमालयास। नेक्स्ट पेज नंबर ओपन करेंगे 45। द नॉर्दर्न माउंटेन्स ऑफ द हिमालयन रीजन। द नॉर्दर्न माउंटेन्स हैव मैनी माउंटेन्स माउंटेन रेंज है एंड हिल्स विच रन अलोंग द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्ट बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। नॉर्थ ईस्ट बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, द हिमालयन ट्रांस हिमालयन रेंज विच लाई टुवार्ड्स द नॉर्थ ऑफ द इंडस रिवर। द हिमालयास विच लाई बिटवीन द इंडस रिवर एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर। द नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स विच लाई बियॉन्ड द ब्रह्मपुत्र रिवर। ओके, अब हम लोग लेस्ट आई टू एक्सरसाइज की कंप्लीट करेंगे। अंडरलाइन द करेक्ट इनकरेक्ट वर्ड एंड राइट द करेक्ट वर्ड अबव देम। इसमें आपको क्या करना है, जो इनकरेक्ट वर्ड दिए गए हैं इन सेंटेंस में उनको आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है और करेक्ट वर्ड को राइट करना है। ये आपकी लेस्ट आई टू एक्सरसाइज पेज नंबर 45 पर है। तो अपनी बुक ओपन करेंगे और ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। लेस्ट आई टू ए पॉइंट है आपका, द हिमालयास लाई बिटवीन द रिवर इंडस एंड रिवर द रिवर गंगा। तो जो हिमालयास है तो कौन सी रिवर के बिटवीन है? अभी आपको पढ़ाया हमने रिवर इंडस एंड रिवर गंगा, ये तो रॉन्ग है। रिवर इंडस अभी हम लोगों ने लेफ्ट साइड वन में ही इसका क्वेश्चन कंप्लीट किया था, तो इसका राइट आंसर है रिवर इंडस एंड रिवर ब्रह्मपुत्र। तो जो आपका गंगा है वो आपका रॉन्ग है, ठीक है, गंगा रॉन्ग है। तो यहाँ पे क्या फिल करेंगे? ब्रह्मपुत्र। ओके, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट बी पॉइंट है, द ट्रांस हिमालयन रेंज इज साउदर्न मोस्ट रेंज ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेन। तो इसका साउदर्न मोस्ट रॉन्ग है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? नॉर्दर्न मोस्ट। क्या राइट करेंगे? नॉर्दर्न मोस्ट। सी पॉइंट है आपका, द नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स आर इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न ईस्ट हिल्स आर द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ये रॉन्ग है। नॉर्दर्न हिल्स आपका कौन सा पार्ट है? ईस्टर्न। ओके, द आउटर हिमालयन रेंज इज द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयास। तो इसका आंसर होगा साउदर्न मोस्ट। ओके, नेक्स्ट है आपका, द हिमालयास हैव टू पैरेलल माउंटेन रेंज। तो टू नहीं है, इसका राइट आंसर है थ्री। क्या आंसर है इसका राइट? थ्री। तो आपको लेस्ट ट्राई वन एंड लेस्ट ट्राई टू अपनी कोर्स बुक में कंप्लीट करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, बाय, हैव अ नाइस डे।